हम सभी ने क्रिकेट को हरे मैदान पर ही देखा है, पर आपको जानकर हैरानी होगी, बर्फ पर भी अब क्रिकेट खेला जाने लगा है, जिसे आइस क्रिकेट का नाम दिया है। सेंट मॉरिट्स में 1988 में महज मनोरंजन के लिए पहला आइस क्रिकेट मैच खेला था। अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह खुशखबरी है कि गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीय आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग फिर से मैदान पर चौके छक्के लगाते नजर आएंगे। वहीं पाकिस्तान की रावलपिंडी एक्सप्रेस अब स्विट्जरलैंड के पर्वतों में दौड़ती नजर आएंगी। सहवाग और शोएब के साथ साथ क्रिकेट की कई महान हस्तियां भी क्रिकेट खेलते नजर आएंगी। अगले साल 8 और 9 फरवरी को 2 T20 मैच खेले जाएंगे। इनमें मोहम्मद कैफ, महेला जयवर्धने, लसिथ मलिंगा, मैकल हसी, ग्रैम स्मिथ, जैक कैलिस, वेटोरी, नैथन मैकलम, ग्रैंट इलियट, मॉन्टी पानेसर, ओवेस शाह दोबारा खेलते नजर आएंगे। बदलते वक्त के साथ साथ क्रिकेट में यह बदलाव चुनौतीपूर्ण होगा। उम्मीद यह भी है कि दर्शकों को लुभाने में यह क्रिकेट सफल होगा। HCN न्यूज की रिपोर्ट।